नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों आज हम आपको CDS SSB के जो भी एस्पिरेंट हैं, मतलब कि जिन्होंने CDS का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और वो IMA तथा OTA के लिए SSB देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो जो ये हम प्रोसेस बताने वाले हैं ये आपके लिए इतना मस्ट है कि विदाउट इसके आप SSB देने जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, इसमें कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, यह है इंडियन आर्मी का ऑफिशियल होम पेज। देखिए इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप गूगल में joinindianarmy.nic.in टाइप करके यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप आओगे तो लॉग इन करने के या रजिस्ट्रेशन करने का आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑफिसर सिलेक्शन और JCOOR सिलेक्शन। देखिए आप लोगों को ऊपर ऑरेंज वाला जो दिख रहा है ऑफिसर सिलेक्शन, इसके राइट साइड में ऑफिशियल एंट्री अप्लाई लॉगिन, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका एक नया पेज देखिए ऐसा ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण और ऑलरेडी रजिस्टर्ड पहले से पंजीकरण। देखिए दोस्तों, अगर आपका एज ए ऑफिसर, देखिए यहाँ पर मैं पहले दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने पहले ही, जैसे इंडियन आर्मी की बहुत सारी स्कीम निकलती है, ठीक है, जैसे TES होती है और भी बहुत सारी होती हैं, तो उनमें अगर ऑफिसर सिलेक्शन मतलब ऑफिसर के थ्रू आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही आपके लिए काम कर देगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपने कर लिया है तो आपको एक बार यहाँ पर अपना यूजर ने पासवर्ड डाल के ओपन करके उसको अपडेट कर देना अकाउंट को। ठीक है, अगर नहीं किया तो देखिए बताते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना। देखिए यहाँ पर उन्होंने, देखिए ये आप पहले तो ये पढ़ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है ये, उसके बारे में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जानकारी दे रखी है। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन बटन दिख रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके लिए ये वाला रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन जो है OTR बोला जाता है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, लाइफ टाइम एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वो अपने आधार कार्ड, एक आधार कार्ड, एक हाई स्कूल की मार्कशीट से। ठीक है, आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसीलिए अपनी सारी ईमेल आईडी, सारी जानकारी देख देख के हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करके, अपना नाम, पिताजी का नाम, सारी जानकारी मैच करके फॉर्म भरना है। ठीक, अब देखिए ये सारी पढ़ लेना, हम पढ़ के तो नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ये कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, देखिए है तो भरना है, नहीं है तो आपको एनरोलमेंट भरना है। क्यों, कि विदाउट इसके आप नहीं भर सकते। देखिए जैसे मैं यहाँ नन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए जो थर्ड इसकी जो विदाउट आधार कार्ड के जो भी यहाँ पर वो होगी पॉलिसी, वो यहाँ पर ओपन होके हमारे लिए आ जाएगी। ठीक है, तो वो पॉलिसी अभी आपकी ओपन हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, देखिए विदाउट आधार कार्ड के आपको क्या है, मतलब कुछ और जोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड कंपल्सरी है। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी का नाम, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि ओनली एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, अदरवाइज इट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, सारा जो कुछ भी है सब हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। ठीक है, यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपकी जो मेल डालोगे उस मेल पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करके अकाउंट वेरीफाई होगा, जब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात की जानकारी तो आपको पूरा प्रोसेस नहीं बता सकते, माफ़ करना, लेकिन हमको पूरी जानकारी हम बता देते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें आपको अपना पूरा डिटेल, अपना फोटो, अपने सिग्नेचर, सारी जानकारी अपलोड कर देनी है। मैंने एक बार इसका रजिस्ट्रेशन किया था तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में या नीचे इसके कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने बहुत पहली वीडियो बनाई थी, मतलब आपको वहाँ मिल जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमको आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आपका कैसा भी कमेंट हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करना, उसका जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यारी भरी, राम राम।